कांग्रेस की औकात नहीं है, ये एजेंडा बस चला है। कांग्रेस की औकात नहीं है, गंदे नाले में अपना मुंह देख लेना जाके, वैसा ही दिखाई देगा जैसी तुम्हारी औकात है। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम बजरंग दल को बैन कर पाओ, अपनी औकात से बाहर ना जाना बस। कांग्रेस तो शुरू से ही हिंदू का नामो निशान मिटाना चाहती है, कांग्रेस की मंशा यही है, मुस्लिम को पनपाना चाहती है। मैंने बजरंग बली जी को वानर समझ के छोड़ दिया था और बजरंग बली जी ने पूरी लंका में आग लगा दी थी, तो मैं समझता हूँ वही काम तुमने कर दिया है। बजरंग बली जी को आप हल्के में ले रहे हो और मेरे को लग रहा है कि आपने बजरंग दल को छेड़ के उनकी पूंछ में आग लगा दी है। अब पूरी लंका में आग लगने वाली है, पूरी लंका समझते हो, पूरी कांग्रेस पार्टी का खात्मा होने वाला है। और मेरे कांग्रेस मूर्ख कांग्रेसी हूँ, आपको तो मूर्खता की ही डिग्री आपको दी जानी चाहिए। आपने बजरंग दल को बैन करने के लिए दिन कौन सा चुन लिया, मंगलवार, और मैं आपको कांग्रेसियों बता दूं, आपको मूर्ख कांग्रेसियों, आपने अगर सनातन का सा भी आपने पढ़ा होता ना और मंदिर का माँ भी आपने देखा होता तो आपको शायद पता होता कि सनातनी चीज़ क्या है। आधा हिंदू तो आपने श्री राम अयोध्या मंदिर ना बनने के चक्कर में जो आपने जंग छेड़ी, आधा हिंदू तो तब जाग गया था। मेरा 30% हिंदू जो थोड़ा बहुत अभी रह गया था जगने के लिए, वो जो आपने बजरंग दल को बैन करने की जो स्टेप उठाया उससे बचा कुचा हिंदू भी मेरा जाग जाएगा। हम सोनू कुमार हैं। मेरा सवाल आपसे पहला ये होगा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में शामिल किया है कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे हम बैन कर देंगे बजरंग दल को। सबसे पहले जय सियाराम मेरे दोस्तों। अब दूसरी बात, मैं आपके सवाल पे आ जा रहा हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ले आई है कि हम PFI और बजरंग दल दोनों को बैन कर देंगे। तो सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी का ये झूठ जो चारों तरफ फैला रही है कि हम PFI को बैन कर देंगे मुस्लिमों को खुश करने के लिए, PFI को बैन कर देंगे, अरे मूर्ख कांग्रेसियों, कम से कम थोड़ा पढ़ लिख के आ जाते। या तुमने भी कोई सस्ता नशा फूक रखा है, जो आला कमान ने तो फूक ही रखा है, बेचारा गायब है। तो मुझे लग रहा है उसका जो कस का जो धुआं निकलता तुम्हारे दिमाग में थोड़ा बहुत आ गया है। ठीक है, PFI को तो भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट से पहले ही बैन मिल चुका है पूरे भारत देश में। आप क्या बैन करोगे, बैन हुई PFI आतंकवादी संगठन को क्या दोबारा बैन करोगे आप, जिसके तार अलकायदा और आपने तालमेल किससे कर लिया, कंपेयर किससे कर लिया, बजरंगी दल से। अरे बजरंग दल तो ऑलरेडी आतंकवादी का दूसरा संगठन बता रहे, ऑलरेडी बजरंगी सेना है, बजरंग दल समझने की गलती ना करो आप। और मैं आपको कांग्रेसियों बता दूं, आपको मूर्ख कांग्रेसियों, आपने अगर सनातन का सा भी आपने पढ़ा होता ना और मंदिर का माँ भी आपने देखा होता तो आपको शायद पता होता कि सनातनी चीज़ क्या है। आपने रामायण तो मेरे ख्याल में गलती से देखी नहीं होगी, देख भी लेगी तो भूल गए होंगे, वोट के चक्कर में आपने रामायण देखी होगी। और मेरे कांग्रेस मूर्ख कांग्रेसी हूँ, आपको तो मूर्खता की ही डिग्री आपको दी जानी चाहिए। आपने बजरंग दल को बैन करने के लिए दिन कौन सा चुन लिया, मंगलवार, और जगह कौन सी चुन ली, कर्नाटक, जहाँ उनका जन्म है, किष्किंधा। अरे भाई साहब, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आधा हिंदू तो आपने श्री राम अयोध्या मंदिर ना बनने के चक्कर में जो आपने जंग छेड़ी, आधा हिंदू तो तब जाग गया था। मेरा 30% हिंदू जो थोड़ा बहुत अभी रह गया था जगने के लिए, वो जो आपने बजरंग दल को बैन करने की जो स्टेप उठाया उससे बचा कुचा हिंदू भी मेरा जाग जाएगा। रही बात बजरंग दल बैन करने की, तो मेरे ख्याल में आपकी जो अंतरात्मा है ना, वो मुझे लग रहा है बजरंग दल नहीं, बजरंग दल, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद, RSS, ये आपकी अंतरात्मा है। ये पूरे 2024 में आप इस मैनिफेस्टो को ले आना कि हम सारे हिंदू दल को बैन कर देंगे, तभी आपको मुस्लिम संगठनों पर आप विजय पा पाओगे। अब मैं आपको एक पृष्ठभूमि याद दिला दूं, मेरे मूर्ख कांग्रेसियों, एक बात हमेशा याद रखना, रामायण में रावण ने बजरंग बली जी को वानर समझ के छोड़ दिया था और बजरंग बली जी ने पूरी लंका में आग लगा दी थी, तो मैं समझता हूँ वही काम तुमने कर दिया है। बजरंग बली जी को आप हल्के में ले रहे हो और मेरे को लग रहा है कि आपने बजरंग दल को छेड़ के उनकी पूंछ में आग लगा दी है। अब पूरी लंका में आग लगने वाली है, पूरी लंका समझते हो, पूरी कांग्रेस पार्टी का खात्मा होने वाला है। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जैसे कि सवाल उठ रहा है कि काफ़ी दंगा भड़काने वाली वो संगठन है, काफ़ी केस दर्ज है, कांग्रेस पार्टी ऐसा बता रही है कि बस दंगा भड़काने का काम करती है और हर जगह उपद्रवी है और कई केस दर्ज हैं इन। मैं कांग्रेस पार्टियों को ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, एक भी कोई बजरंग दल का बयान, एक भी कोई बजरंग दल के कार्यकर्ता जिसने कहीं पे जाके नारा लगा के कहीं जाके फट गया हो, ये PFI के कार्यकर्ता है, PFI के लोग हैं, आतंकवादी संगठन है, यही बम छाती में लपेट के अल्लाह अकबर बोल के फट जाते हैं। बजरंग दल का कोई भी एक कार्यकर्ता बता दीजिए, बजरंग दल तो भारत की सुरक्षा का एक दल है, बजरंग दल नहीं है, बजरंगी सेना है, जिस पर श्री प्रभु राम की कृपा है, और जिस पर श्री राम की कृपा होती है मेरे कांग्रेसी, उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाता है। बिहार में भी मांग उठ रही है कि वहाँ भी बैन करेंगे, नीतीश कुमार और तेजस्वी, मैंने आपको बताया तो इनका 2024 का, अभी तो ये केरल में मैनिफेस्टो लेके आए हैं, ये मूर्ख कांग्रेसी 2024 में भी लोकसभा के जब इलेक्शन लड़ेंगे तब ये मैनिफेस्टो लेके आएंगे। मैं इनका पूरा तरह से जानता हूँ, 2024 में इनका नेक्स्ट प्रोपेगेंडा यही होगा, ये पूरे देश में सभी हिंदू संगठनों को ये बैन करने का पूरी कोशिश करेंगे। ये खुद कांग्रेस बोल दे कि हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए और इस तरह का घोषणा पत्र में शामिल करके, नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम में टकराव बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस तो शुरू से ही हिंदू का नामो निशान मिटाना चाहती है,
कांग्रेस की मंशा यही है, मुस्लिम को पनपाना चाहती है। अच्छा। जो आज अगर हम अब जो राष्ट्र की मांग उठती है, इसमें बाधा नहीं बन सकता हिंदू राष्ट्र तो ये शुरू से ही है। अच्छा। ये तो पता नहीं किसको गलत फहमी है कि हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, हिंदू राष्ट्र है या हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी। मैं ये कहता हूँ, पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी, क्यों विश्व हिंदू परिषद इस बात को क्यों नहीं कहते कि माता शकुंतला के बेटे भरत, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, ये तो तब से हिंदू राष्ट्र है, ये तब से हिंदू राष्ट्र है। बीच में मुगल पता नहीं कहाँ से घुस गए हैं, तो ये पता नहीं कहाँ से ये क्या धारणा चली आ रही है। तो जो लोग जिनके दिमाग में ये एनाकोंडा कीड़े काटते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र भारत से चला आ रहा है मेरे भाइयों। हम भारत माता का जयकारा ठोकते हैं ना, तभी इससे चला आ रहा, तभी इससे ये भारत के नाम से भारत पड़ा हुआ है। किसी ने कहा यह मुगलिस्तान है, किसी ने कहा यह इस्लामिक स्तान है। हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, इंडिया भी अंग्रेजों का दिया नाम है, वो हिंदी को ऐसे बोलते थे इंडिया, इंडिया, हिंदिया मतलब हिंदी, हिंदी हिंदू रहने वाले लोग, तभी से ये इंडिया, इंडिया नाम पड़ गया ये। तो भारत के जो तीन नाम पड़े ना, उसमें कहीं ना कहीं हिंदू छुपा हुआ है, हिंदू छुपा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ बागेश्वर धाम बिहार में जाने वाले थे, वहाँ पे बोल रहे कि एंट्री नहीं करने देंगे, कि ये जातिवादी करने आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करेंगे, इसलिए इनको यहाँ पर एंट्री नहीं देंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो तेज प्रताप जी, अभी अभी आपने सत्ता का जो आपने अभी अभी स्वाद चखा है ना, ये मेरे को लग रहा है आपको हजम नहीं हो रहा है, इसको हजम कर लीजिए, पचा लीजिए। क्योंकि मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, जब आपने हिंदू बनने का ढोंग किया था, एक बांसुरी पकड़ के आप कोई कृष्ण जी की कोई, और सारी हवा निकल गई थी ना, धुन का पता था ना, तान का पता था ना, तुम्हारे मुंह का पता था। और ये जो आप बागेश्वर जी को, आप बागेश्वर बाबा जी को आप रोकने का जो आपने चलन किया ना, ये आपके अंदर का जो मुसलमान छुपा हुआ था, तेज प्रताप खान जो अंदर से आपका जो इस्लाम जो जग गया है ना, कि बाबा जी को यहाँ घुसने नहीं देंगे, बाबा जी को तो आप छोड़ दीजिए, बाबा जी तो रोके से नहीं रोकेंगे, ये हिंदू है, जग गया ये। अब दूसरी बात बता दूँ आपको, कमल फूल पर ब्रह्मा जी का वास होता है, कमल के फूल पर ब्रह्मा जी का वास होता है। मेरे दोस्तों, पूरे देश में कमल खिला दीजिए, सभी जगह ब्रह्मा जी का वास हो जाएगा। बजरंग दल की तुलना PFI से की जा रही है, कट्टरता सेम है, एक बैन हो गया, दूसरा बैन करेंगे, तुलना सिर्फ ये इस्लामिक संगठन के मौलाना वही कर रहे हैं। अच्छा। आतंकवादियों को पनाह देने वाले कर रहे हैं, जिनके लिए अतीक जी था, जिनके लिए मुशर्रफ जी थे, जिनके लिए आतंकवादी सम्मान के पात्र थे, ये PFI बता रहे थे। मैं कहता रहूँ आपसे, जिनके लिए आतंकवादी संगठन बस ये सफ़ेद चोला पहन के खड़े हो गए हैं, बस फर्क इतना ही है। मैं आपको एक बात और याद दिला दूँ, मैं जब ये ऋषि मुनियों का देश था, जब ये साधु संतों का देश था, तो भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, पर आज देखिए क्या हालत हो गई है। सारे भ्रष्टाचारी, ये जो इन्होंने 70 साल इन्होंने पूरे देश को लूटा, कंगाल कर दिया, कंगाल तो बना दिया। लेकिन जैसे कि बैन करने की मांग कर रहे हैं, तो कांग्रेस राजस्थान में भी है, बैन कर देना चाहिए था। इनकी औकात, कांग्रेस की औकात नहीं है, ये एजेंडा बस चला, कांग्रेस की औकात नहीं है। गंदे नाले में अपना मुंह देख लेना जाके, वैसा ही दिखाई देगा जैसी तुम्हारी औकात है। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम बजरंग दल को बैन कर पाओ, अपनी औकात से बाहर ना जाना बस। बागेश्वर धाम जा पाएंगे? 13 मई को उनको जाना है वहाँ। वो जा पाएंगे, लट बिगाड़ के आएंगे। अच्छा। हाँ जी, छाती पे, और तेज प्रताप भागते नजर आएंगे। हिम्मत होना तेज प्रताप जी, तो जरा बागेश्वर धाम के रथ को रोक के दिखा देना। अश्वमेघ रथ है जो हिंदू विश्वविजेता चलता चला आ रहा है, उसको ना कोई रोक पाएगा। चलिए।